हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। तो देखिए जी, हम लोग तैयार वैयार हो के चल दिए हैं अपने मायके, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं शुरू। गाइस, असली में हमारी ट्रेन आई नहीं है, जिससे सब बता रहा है और फोन में अब ऐसा बता रहा है कि हमारी ट्रेन अभी 1 मिनट बाद चली जाएगी। यहाँ से अभी आई नहीं, पर पहले ही चली जाएगी। और अभी 1 महीने रहना है हम हस्बैंड वाइफ को दूर, तो थोड़ा सा बिताया टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताया, बहुत सारी नसीहतें दी, ऐसे करना है, वैसे रहिएगा, ऐसे कीजिएगा, और उन्होंने भी बच्चों का ध्यान रखना। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती ना, जब हम कुछ दिनों के लिए दूर जाते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं कहने सुनने के लिए। और वैसे तो फ़ोन है, पर फिर भी इस समय लगता है मन करता ना कुछ कहने का, कुछ सुनने का। तो बस वही थोड़ा सा टाइम बिताया और साथ साथ बना ली एक दो बढ़िया से रील। और ट्रेन आते ही तो भाई वो भागा दौड़ी मचती है ना, कि उस समय फ़ोन क्या, मतलब कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो बस हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और उसके बाद फिर बाय बाय करके हम सब चल दिए आगे, रास्ते का मज़ा लेते हुए घर की तरफ। पर पता है, आज शुभी शायद पहली बार अपने पापा को इतना मिस कर रही थी, क्योंकि पापा के लिए शुभी की आँख में पहली बार आंसू देखा। ऐसे वो मज़े में रहती है कि हाँ ठीक है नानी के घर जाना, पर पता नहीं क्यों शायद बड़ी हो रही है तो अपने पापा को मिस करके आज वो रो रही थी। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी होने लगती हैं ना। और खैर, फिर हम लोग रास्ते का खूब सुंदर सुंदर दृश्य देखते हुए और उसके बाद सो गए। सुबह उठे और उसके बाद बस हम लोग पहुँचने ही वाले थे, पर बच्चे अभी तक सो रहे हैं। एक बार उठ के फिर दोबारा सो गए थे ये। तो हम लोग गोरखपुर के पास पहुँचने ही वाले थे, तो अभी थोड़ी देर में जगाऊंगी बच्चों को, क्योंकि ट्रेन हमारी हो गई थी आज लेट। हमेशा की तरह भारतीय रेल सेवा हमेशा विलंब से ही चलती है, अभी तक का एक्सपीरियंस तो यही कहता है। तो यहाँ से हम लोग मज़े से नज़ारा लेते हुए चाय की चुस्कियों के साथ ये पहुँच गए हम लोग गोरखपुर कैंट। और यहाँ से रेलवे कॉलोनी और ये स्टेडियम और ऑफिस, ये सब मतलब देख के लगता है ना कि जैसे हम वापस अपना वो पुराना टाइम जी रहे हैं। सब कुछ अपना अपना सा लगता है। अरे ये मेरा स्कूल, अरे ये स्टेडियम, अरे ये रास्ता है। मतलब साल में एक बार देखते, हर बार कुछ कुछ बदला सा, पर फिर भी कुछ कुछ अपना अपना सा लगता है। और अपना शहर अपना ही होता है यार। तो बस सब मज़ा लेते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं घर की तरफ। और स्टेशन पे पहुंचते ही दिख गए पापा, तो माई ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए आ रहे थे। पापा आ गए, बस हम दिख गए पापा को देखते ही एकदम से बच्चे भी चहक उठे और मैं भी बन जाती हूँ छोटी छोटी बच्ची। पापा आ गए, पापा आ गए, दौड़ के पापा के पास पहुँच गई। चल दिए स्टेशन से बाहर की तरफ। गोरखपुर का स्टेशन है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जाता है, आपको पता है या नहीं? नहीं पता तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम एक विशेष शहर में रहते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब रहते थे यार, मायका है तो हमेशा मेरा ही रहेगा ना। क्या हो गया? तो बस आगे पीछे देखती हुई वीडियो बनाते हुए और रास्ते का मज़ा लेते हुए बिल्कुल एकदम मतलब लगता है फ्री होगा। हेलो, गोरखपुर का बोर्ड देखते हैं मतलब अंदर का बच्चा जाग उठा है ऐसा लगता है। तो बस हम आ गए अपने शहर में। और ये रास्ते के मंदिर, ये सब जैसे रोज़ वाली देखने वाली चीज़ें थी ना, तो देख के बहुत अंदर से वो फीलिंग्स शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती कि कैसा लगता है। तो आप भी गोरखपुर के रहने वाले हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं आए हो तो एक बार गोरखपुर घूमने भी ज़रूर आना, बहुत सारी जगहें हैं यहाँ घूमने के लिए। तो आइए, हमारे गोरखपुर में आपका स्वागत है। और ये दरवाजे पर इंतज़ार में खड़ी मेरी माँ। और मम्मी कहती वीडियो नहीं बनाओ, मैं ऐसे ही हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ? तो आज कैमरा संभाला मेरे पापा जी ने। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मेरा वीडियो पापा शूट कर रहे हैं। यहाँ आते ही देखिए, ये कल रात में मुझे मालूम चल गया था, पर मतलब एकदम देख के मन खराब सा हो गया। देखिए इसका पैर दोनों कैसे जल गया है। ये बाइक के साइलेंसर से मेरे मुद्दू के दोनों पैर इतनी बुरी तरह से जल गए, देख के एकदम मन खराब सा हो गया। बच्चे को इतना कष्ट हो गया। शुभ उसके बगल में छू ना जाए बेटा, बिल्कुल बचा के रखना, टच ना हो जाए।
कोई बात, मुद्दू स्ट्रांग है ना, अब दवा वाला ये ठीक होगा। रहो मुद्दू तुम? मैं दीदी बना रहा हूँ। अच्छा, इसको दीदी बना रहे हो? तो अभी तक क्या थी? अभी तक क्या थी ये? अच्छा, और अरे यहाँ ये सर को अच्छे से बना दो, पूरा मुँह अच्छे से बना दीदी का। ओहो ओहो दीदी, अरे ऐसे दीदी बनाई जाती है? तो बच्चों की ये धमा चौकड़ी और मस्ती तो आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगी। तो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारों। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, गोरखपुर स्पेशल व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।